हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष खेलोद आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टिकी प्रोग्राम है वो ये है कि हम दो वेरिएबल्स का स्वैपिंग करेंगे बट हमें थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। ओके, सो हाउ टू स्वैप द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द अ टेम्पररी वेरिएबल। ओके, तो फ्रेंड्स बेसिकली इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमें हमारे पास में दो वेरिएबल है। ओके, और एक कंडीशन ये है कि आप थर्ड वेरिएबल लेके दोनों की स्वैपिंग करते हैं। ओके, और एक कंडीशन ये है कि आपको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है और थर्ड वेरिएबल के लिए बिना आपको दोनों वेरिएबल्स की स्वैपिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों के कंटेंट आपस में एक्सचेंज होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल है उसको यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं। ओके, और जो सेकंड जो हेडर फाइल है फ्रेंड्स वो है conio.h, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। देन विद स्टार्ट विद द void main और दिस इज द स्कोप ऑफ द मेन। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से a और b। ठीक है, पहले मैं आपको दोनों वेरिएबल्स की जो स्वैपिंग है वो थर्ड वेरिएबल से करके दिखाता हूँ और उसके बाद में स्वैपिंग हम करेंगे बिना थर्ड वेरिएबल के। ओके, तो थर्ड वेरिएबल मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ temp। ओके, नाउ अब यूजर से हमें वो दो नंबर लेने हैं कि आपको किन नंबर की स्वैपिंग करनी है। सो एंटर दी टू नंबर्स, ओके, देन सेमी कॉलन स्टेटमेंट क्लोजिंग के लिए, और इन दोनों नंबर्स को हम फ्रेंड्स यूजर से इनपुट लेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ परसेंटेज डी लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों जो नंबर है वो कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब फ्रेंड्स आप देखिए कि स्वैपिंग कैसे होगी। पहले तो दोनों जो नंबर लिए हैं उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे लेट से बिफोर स्वैपिंग वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। नाउ जो परसेंटेज डी है फ्रेंड्स वो किससे रिप्लेस होंगे, जो ए और बी के जो वैल्यू है ये उससे रिप्लेस होंगे, तो ए कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यही मैसेज हम एक बार और प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, सो बिफोर एंड आफ्टर के बीच में हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, स्वैपिंग करनी है वेरिएबल्स की। ओके, तो पहला जो तरीका है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों वेरिएबल्स की आपको स्वैपिंग करनी है तो आप थर्ड वेरिएबल से कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है ये तो मेथड, कि एक टेम्प्रेरी वेरिएबल है उसमें आप लेट से ए की वैल्यू आप इंसर्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप ए की वैल्यू को अपडेट कर लीजिए किससे, बी से, और ए की वैल्यू को आपने किस में रखा था फ्रेंड्स, टेम्प्रेरी वेरिएबल में रखा था। ठीक है, तो वही टेम्प्रेरी वेरिएबल जो है आप बी में क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। ठीक है, तो एक बार इसका हम आउटपुट चेक करते हैं और मैं आपको उसका एग्जीक्यूशन भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स दो नंबर हम देते हैं लेट से 3 and 5। ठीक है, सो बिफोर स्वैपिंग वेरिएबल जो ए है उसकी वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 5 थी। आफ्टर स्वैपिंग आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, एक्सचेंज हो चुकी है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, नाउ ये जो प्रोग्राम हमने किया है फ्रेंड्स, ये हमने किया है विथ थर्ड वेरिएबल से, थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेके किया है। बट फ्रेंड्स हमारा टारगेट क्या है कि हमें थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, तो उसकी कुछ अप्रोच है फ्रेंड्स, दो तीन अप्रोच है वो मैं आपको शो करता हूँ। जो पहली जो अप्रोच है वो ये है, हम लेंगे प्लस माइनस ऑपरेटर का यूज़। प्लस माइनस ऑपरेटर से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू लाइक ए प्लस बी, ये मैंने लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि लेट से मैंने ए की वैल्यू ली है 3 और मैंने बी की वैल्यू ली है 5। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट के बाद में ये होगा कि दोनों का जो सम है ए और बी का वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वापस ए में ही ट्रांसफ़र होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में क्या लिखता हूँ फ्रेंड्स, सेकेंड लाइन में लिख रहा हूँ लेट से अगेन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो जाने के बाद में ए की वैल्यू 8 थी और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, नाउ
अब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ए माइनस बी, अगर हम ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से माइनस करेंगे तो बी में क्या बचेगा फ्रेंड्स, थ्री बचेगा। ठीक है, क्या हमने ए में कोई अपडेशन किया है? नहीं किया है, तो ए की वैल्यू वही रहेगी कितनी, एट। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद में कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे लिख दी है मैंने। अब एक स्टेटमेंट हम और लिखेंगे, हमारे पास में जो है बी की वैल्यू आ चुकी है, ओके, जो स्वैपिंग होने के बाद में जो बी की वैल्यू होनी चाहिए वो आ चुकी है। अब हमें ए की फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए माइनस बी, तो हमें फाइनली अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी जो हमें स्वैपिंग के बाद में ए में लानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है अभी, आठ और तीन, जब आठ में से तीन गए तो कितना बचा, पाँच। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे, फाइव, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ थ्री। तो देखें आप, हमने इनिशियल में ए की वैल्यू ली थी थ्री और बी की वैल्यू ली थी फाइव, आफ्टर स्वैपिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में ए की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। तो यहाँ पे देखें आप, जो पूरे ये जो तीन लाइन लिखी है मैंने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही वेरिएबल का यूज़ किया है, कोई दूसरा वेरिएबल हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार इसका हम एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। लेट से फर्स्ट वैल्यू इज थ्री, सेकेंड वैल्यू इज फाइव, तो आप देखें दोनों जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म हो रही है, दोनों वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है फ्रेंड्स वो है पॉइंटर का, आप पॉइंटर की हेल्प भी लेके जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंटर की हेल्प ले सकते हैं आप। स्वैपिंग जो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है फंक्शन के कॉलिंग के दो मेथड्स हैं फ्रेंड्स, तो आप स्वैपिंग की हेल्प लेके भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये जो सेकंड जो अप्रोच है उसको यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे और पॉइंटर्स का देखेंगे कि पॉइंटर्स की हेल्प से कैसे स्वैपिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या ले लेंगे, दो पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, एक्स और वाई, ये दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिए हमने एक्स और वाई। ठीक है, और दोनों वैल्यूज़ हमने इनपुट में ले ली, इनपुट में लेने के बाद में फ्रेंड्स हमने क्या किया कि जो ऑब्वियसली बात है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉइंटर है, x और y बोथ आर दी पॉइंटर्स, तो ये क्या करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ऑब्वियसली बात है एक पॉइंटर है x और y, तो x में हमने किसका एड्रेस ट्रांसफ़र किया, a का एड्रेस ट्रांसफ़र कर दिया, और इसी तरह से y का मैंने क्या किया किसमें, b का एड्रेस ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नाउ x एंड y बोथ आर पॉइंट्स टू द वेरिएबल a एंड b, दोनों जो x और y जो वेरिएबल है दोनों किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, a और b को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग का इजी सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे जो है सिंपल एक्स को प्रिंट करवाता हूँ जो कि क्या है एक एड्रेस है, इसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, तो प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एक वैल्यू नहीं एक एड्रेस मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्ट्रिक ऑफ एक्स, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, एड्रेस ए ऑब्वियसली बात है ए का ही एड्रेस है, तो उस पर पड़ी हुई वैल्यू वही होगी जो ए की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे इसी पॉइंटर को कंसेप्ट में ध्यान में रखते हुए ये स्वैपिंग कर रहे हैं, और जो मैंने ऊपर प्लस और माइनस का यूज़ में लिया था वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एस्ट्रिक ऑफ वाई इज इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ सॉरी एस्ट्रिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ एक्स प्लस एस्ट्रिक ऑफ वाई। ठीक है, अब सारा काम यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर की हेल्प से ही होगा। ओके, देन अगेन एस्ट्रिक ऑफ वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब हम करेंगे एस्ट्रिक ऑफ x माइनस एस्ट्रिक ऑफ y। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेकेंड लाइन लिख ली है, अब मैं थर्ड लाइन लिखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंटर की हेल्प से ही लिखूंगा मैं। ठीक है, तो अगेन a और b से आप कंपेयर कर लीजिए, x एस्ट्रिक ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस बी लिखना है ना, तो एस्ट्रिक ऑफ x माइनस एस्ट्रिक ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो ये अप्रोच जो है बिल्कुल फ्रेंड्स, अभी जो हमने लास्ट जो अप्रोच जो फॉलो की थी जिसमें हमने प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज़ में लिया था, बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ और यहाँ पे क्या चेंजेस है फ्रेंड्स, पॉइंटर का ही चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसमें ए और बी का एड्रेस जो है हमने एक्स में और वाई में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब या तो आप प्रिंटिंग के लिए चाहें तो x और y का वेरिएबल लिए भी यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली a और b भी लिखें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि
एक्स और वाई में जो एड्रेस है वो ऑब्वियसली बात है ए और बी का ही है, ठीक है। तो एक बार हम इसका फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन देखते हैं। दो नंबर देता हूँ मैं, मान लीजिए 3 और 5। आप देखें कि स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, दोनों वेरिएबल्स आपस में स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स सेकंड अप्रोच, जिसमें हमने देखा कि पॉइंटर की हेल्प से आप कैसे स्वैपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच में क्या देखा हमने कि आप प्लस और माइनस ऑपरेटर लेके भी स्वैपिंग कर सकते हैं, और सेकंड अप्रोच क्या देखा हमने पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और अप्रोच दिखाता हूँ, ठीक है, जो लास्ट अप्रोच है। वैसे तो जो है आप डिवाइड और एस्ट्रिक से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि थर्ड वेरिएबल आप यूज़ में ना लें और दोनों वेरिएबल्स की क्या हो जाए, स्वैपिंग हो जाए। बट फ्रेंड्स उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक्स और वाई जो दो वेरिएबल आप ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं एक्स और वाई हो, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, दोनों वेरिएबल में से अगर एक की वैल्यू भी अगर 0 हो गई तो वहाँ पे जो है एस्ट्रिक और डिवाइड जो अप्रोच है थर्ड वेरिएबल को लिए बिना दोनों वेरिएबल को स्वैप करने की, ये अप्रोच हो जाएगी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट ओवरऑल क्या आ जाएगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए मैं आपको वो अप्रोच नहीं बता रहा हूँ जिसके अंदर क्या है कि अगर एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ओवरऑल आउटपुट होगा हमारा वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट जो अप्रोच है फ्रेंड्स उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे एक्सओआर ऑपरेटर का, बिटवाइज ऑपरेटर का, जो बिटवाइज एक्सओआर है हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स वो हम देखते हैं। हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं और वाई ए बी, अभी हम पॉइंटर का यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर जो है एक्सओआर ऑपरेटर का हेल्प लेके मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सओआर ऑपरेटर की वर्किंग जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताई है, ठीक है, और एक्सओआर ऑपरेटर की जो टेबल है वो भी मैंने आपको बताई है। एक्सओआर ऑपरेटर एक बिटवाइज ऑपरेटर है, अगर दोनों इनपुट अगर सिमिलर हो तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो एक तो इसकी टेबल आपको जो है वो ध्यान में होनी चाहिए, पहली बात तो है ना, टेबल अगर ध्यान में होगी तो आप ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो टेबल को ध्यान में रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि दोनों इनपुट में से अगर दोनों जो है वो सेम हो तो आउटपुट ओवरऑल क्या आएगा 0 आएगा, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और बिटवाइज ऑपरेटर सारे बिट लेवल पर काम करते हैं, 0 और 1 लेवल पर काम करते हैं, इसलिए इनको बिटवाइज ऑपरेटर कहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो तीसरा जो तरीका है वो क्या है हम यूज को यूज करते हैं। सो मेरा वेरिएबल है ए इज इक्वल टू ए, हम अप्लाई करेंगे एक्सओआर ऑपरेटर का, एक्सओआर ऑपरेटर जिसमें जो एक बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर है उसका हम यूज करेंगे। सो ए इज इक्वल टू ए एक्सओआर बी, ठीक है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो आप जो भी नंबर ले रहे हैं उसका बाइनरी निकालें, बाइनरी निकालने के बाद में एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करें और वापस वैल्यू ए में सेव करें, ठीक है। और सेकंड जो फ्रेंड्स लाइन है वो ये कहती है कि हमें यूज़ करना है वेरिएबल बी का, बी इज इक्वल टू सेम ए एक्सओआर बी, ठीक है। देन लास्ट आपको यूज़ करना है वेरिएबल अगेन ए का, और लाइन यही यूज़ में करनी है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, ए एक्सओआर बी, ठीक है, बस, और आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना है। ये हो गई वेरिएबल की स्वैपिंग, जिसमें आपने थर्ड वेरिएबल यूज़ में नहीं लिया है, लेकिन जो थर्ड अप्रोच है उसमें आपने क्या यूज़ में लिया है, एक्सओआर ऑपरेटर का यूज़ में लिया है। एक बार इसका हम एग्जीक्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। दोनों मैं नंबर दे देता हूँ, लेट्स से 3 और 5। देखें आप स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। चलें तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सओआर ऑपरेटर में दोनों जो इनपुट हैं अगर सिमिलर हैं तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। जैसे कि मैं बात करूं 0 और 0 की तो वो क्या होगा 0 ही होगा, सेकंड में बात करूं 1 और 1 की तो भी क्या होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स उस सब में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो पहले जो भी आप नंबर लें उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और ये बिटवाइज कैलकुलेशन परफॉर्म करें,
ठीक है, वेरिएबल्स को वापस से बाइनरी से कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करें, वेरिएबल ए में वो वैल्यू सेव कर लें, आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनकी स्वैपिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये एक लाइन ध्यान में रखें कि एक्सोर ऑपरेटर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर दोनों इनपुट सेम है तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स तीन अप्रोच थी। चौथी अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक एस्ट्रिक और डिवाइड की भी है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो हमारा ओवरऑल आउटपुट ज़ीरो आएगा, तो वो एक जो अप्रोच है वो इतनी सूटेबल नहीं है, वर्कफुल नहीं है। ठीक है, एक जो फ्रेंड्स फिफ्थ जो अप्रोच है जिसमें हम यूज़ करते हैं कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय रेफरेंस जो है मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, जिसमें हमने सीखा कि हम वहाँ से एड्रेस पास करते हैं और जो है डेफिनेशन में उसको हम हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स वो भी जो तरीका है वो ये पॉइंटर अप्रोच ही है। पॉइंटर अप्रोच मैंने आपको बता दिया इस कोड में, ठीक है, वही अप्रोच हम कॉल बाय रेफरेंस में भी फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच ही हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो इसकी मेनली तीन ही अप्रोच है। फर्स्ट जो है वो यूजिंग दी प्लस माइनस ऑपरेटर, सेकेंड इज दी पॉइंटर ऑपरेशन, और थर्ड जो है फ्रेंड्स वो है एक्सोर ऑपरेटर की। ठीक है, सो फ्रेंड्स बाय दिस थ्री अप्रोच यू कैन स्वैप द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग दी थर्ड वेरिएबल और द टेम्परेरी वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक इस वीडियो से आपको आज का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, आज का जो ये ट्रिकी प्रोग्राम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।